दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में 177 दिन रहने के बाद अब वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है हरियाणा के होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रखा है। तो उनके जेल से बाहर आ जाने के बाद कितना हरियाणा में इसका असर होगा और किस तरीके से उनके पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आप एक प्रमुख पार्टी है। दिल्ली से सटे हुए इस राज्य में आपका असर ठीक ठाक माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद होंगे। उनकी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, लिहाजा अब लग रहा है कि हरियाणा का चुनावी दंगल जोरदार होगा। 2019 में आपने हरियाणा विधानसभा की 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि उस समय उसका वोट शेयर महज 1% का रहा। तब से अब तक यमुना में काफी पानी बह गया है। आम आदमी उन लोगों को एक अच्छे विकल्प की तरह दिखती है जो कांग्रेस या बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रहने वाली दिल्ली कम से कम विधान के स्तर पर आपका गढ़ बन चुकी है। टिकट बंटवारे के पहले से ही हरियाणा में कांग्रेस को अलग अलग गुटों की लड़ाई से जूझना पड़ रहा है, जबकि कैडर वाली पार्टी बीजेपी में इस बार खूब उठा पटक हुई है। कांग्रेस चुनाव के पहले चाह रही थी कि देश भर में ये संदेश जाए कि उसका इंडिया अलायंस कामयाब है, साथ ही उसे आपका फायदा मिल सके, और इसी लिहाज से कांग्रेस लगातार आपसे गठबंधन करने की कोशिश करती रही। माना जा रहा है कि सीटों पर बात न बनने के कारण अरविंद केजरीवाल ने ही गठबंधन न करने का फैसला लिया। ये फैसला उनके लिए अभी के वक्त में ठीक दिख रहा है। हरियाणा में कई तरह के मुद्दे इधर से उधर जाते हुए दिखे हैं। राज्य में खिलाड़ियों की भावना का हर ओर सम्मान किया जाता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में चले ही गए हैं। ये रेलवे में नौकरी कर रहे थे, वहां से इस्तीफा देकर के ये दोनों खिलाड़ी जो हैं कांग्रेस में आए। इनमें से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने जुलाना सीट से मैदान में उतारा है। इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुखालफत करने वाली विनेश अब बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। बीजेपी ने कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया है, इसमें सावित्री जिंदल भी शामिल हैं। बड़े उद्योग घराने से ताल्लुक रखने वाली सावित्री अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और भी कई नेता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण खफा हैं। हालांकि कांग्रेस के सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। टिकट देने तक पार्टी में तीन गुट साफ साफ अलग दिख रहे थे। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये तीनों गुट बहुत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के तहत राज्य की सभी सीटों पर लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को 13% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेजेपी की हिस्सेदारी 1% से भी नीचे गिरकर 0.87 हो गई थी। तो ऐसे में जेल से निकलकर केजरीवाल अपने अभियान को धार देंगे। वो अपने और अपनी पार्टी पर किए गए जुर्म की कहानियां भी सुनाएंगे। अगर आपका प्रचार जो अभियान है वो जोर पकड़ता है तो हरियाणा का चुनाव इस बार बहुत ज्यादा ही रोचक हो सकता है। तो हरियाणा में होने वाला चुनाव जो है वो बेहद रोचक हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है काफी टफ रहेगा। आपकी सरकार जो है, आप जो है वो यहां पर सरकार बनाना चाह रही है, और आप जो है यहां पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी जद्दोजहद में लगी हुई है, वहां पर जेजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो है हरियाणा की सत्ता जो है वो किसके हाथ जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।